हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न पे। दोस्तों, ये हमारी सीरीज लर्न टू अर्न अ स्टॉक मार्केट गाइड का 29th वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे ट्रेडिंग यूजिंग राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न किस तरह से होता है, किस तरह का होता है और वो पैटर्न यूज करके हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी पैटर्न अगर हमें स्टॉक चार्ट पे मिल जाता है और उसका शेप अगर राउंडिंग बॉटम जैसे दिखता है, जैसे कि हमने राइट साइड के फिगर में बताया है, तो उस तरह के पैटर्न को हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहेंगे। और अगर उस राउंडिंग बॉटम पैटर्न होने के बाद, उस तरह का पैटर्न बनने के बाद, अगर हमें कोई अच्छा खासा बड़ी कैंडल के साथ, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो हम उस पर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम एक पर्टिकुलर चार्ट ओपन करते हैं और चार्ट ओपन करके उस तरह के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने ये ग्रेविटा का चार्ट लिया है, ये है मंथली चार्ट और ये थोड़ा पुराना चार्ट है। दोस्तों, अगर आप ये ब्रेकआउट वाली कैंडल देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेट पता लग जाएगी, ये अगस्त 2017 का चार्ट है। लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से ये पैटर्न बना था और बहुत ही अच्छी तरह से उस पैटर्न ने अपना रिजल्ट भी दे दिया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लगभग अक्टूबर 2014 से अगस्त 2017 तक, यानी अगर हम 14 से लेकर 17 तक कंसिडर करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 3 साल का एक ड्यूरेशन था और उस ड्यूरेशन में ग्रेविटा ने इस तरह का पैटर्न बना दिया। तो जब हम उस पैटर्न को देखेंगे तो हमें पता लग रहा है कि उसका जो शेप है वो राउंडिंग बॉटम जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इस तरह के पैटर्न को राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। दोस्तों, अगर कोई पैटर्न हमें मंथली चार्ट, वीकली चार्ट या डेली चार्ट, अगर कौन से भी चार्ट पे अगर हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है, तो हम इसे अच्छी तरह से ट्रेड करके अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने मंथली का एग्जांपल लिया है, तो ये आप शेप देख सकते हैं, एग्जैक्टली राउंड शेप था और आखिर में ये जो राउंडिंग बॉटम था वो एक बड़ी कैंडल के साथ उसका ब्रेकआउट हुआ। अगर आप नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा है यहाँ पे, राइट। तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल बना के इस राउंडिंग बॉटम ने ब्रेकआउट दिया। तो जैसे कि हमने बोला कि कोई स्टॉक अगर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देता है तो हमें उस पर ट्रेडिंग करनी है। तो हम इस मंथ को खत्म होने देंगे, कभी कभी हम वीकली चार्ट मंथ को खत्म होने देने तक कभी कभी टाइम बहुत निकल जाता है और स्टॉक की प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है, तो उसका एक सॉल्यूशन है कि हम उसे वीकली कन्वर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे वीकली में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये वीकली का चार्ट है, मैंने यहाँ पे ले रखा है। पहले भी मैंने ड्रॉ किया था, वीकली पे भी और मंथली पे भी किया, इसलिए डबल दिख रहा है दोस्तों। लेकिन बेसिक जो चार्ट है कैंडलस्टिक का, उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से इसे नहीं तो निकाल देता हूँ और एक ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी लाइन हो गई दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो शेप है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे जो शेप है, एग्जैक्टली राउंड जैसा शेप हमें दिख रहा है और आखिर में वीकली कैंडल ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट इस वीकली कैंडल ने दे दिया। इस वीकली कैंडल ने ब्रेकआउट देने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे हम पोजीशन बना सकते हैं। कभी कभी अगर आप कंपेयर करेंगे कैंडल, तो इसका जो क्लोजिंग है वो ब्रेकआउट के लेवल पे है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इसकी क्लोजिंग और ब्रेकआउट लेवल की लाइन एक ही है, तो ब्रेकआउट को अगर आप कंसिडर नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, तो आपको यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल मिल जाती है, राइट। तो ये तीनों चारों कैंडल मिला के हमारी मंथ वाली कैंडल बन गई थी, जो हमने पिछले चार्ट में देखा था। अगर मैं फिर से मंथ में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल मिल गई थी। अगर मैं इसे वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 1, 2, 3, 4 कैंडल मिला के वो वीक हमारा, ये 4 वीक मिला के हमारा वो मंथ पूरा हो गया था दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, एक तो इस कैंडल पे भी हम पोजीशन बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि ये ओपनिंग और यानी ये इसकी जो क्लोजिंग है और आपकी जो लाइन है ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन इक्वल है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि ये 3 साल का राउंडिंग बॉटम था। तो अगर आपको पैटर्न फेल्यूर का
धोखा लगता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एंट्री मत लीजिए। लेकिन इस कैंडल को अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इस कैंडल ने अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया और फाइनली ये उसने इंडिकेशन दे दिया कि कि राउंडिंग बॉटम पूरी तरह से ब्रेकआउट हो गया है और वो अलग टेरिटरी में चला गया है। तो अगर हम इस कैंडल को भी फॉलो करेंगे तो ये ब्रेकआउट के बाद हम दूसरी कैंडल में थोड़ा करेक्शन होने के बाद एंट्री करेंगे। अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर है तो आप इस कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं क्या क्या करता हूँ क्या करता हूँ, अब मान लीजिए कि आपने इस कैंडल पे एंट्री ले ली, तो इस कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो। इस कैंडल का अगर वीकली कैंडल का अगर हम लो देखेंगे तो वो लो है 85, और ये अगली कैंडल है अगर वो देखेंगे तो 85.05। तो यहाँ पे 0.5 के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस फिर भी हिट नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि हम फियर फैक्टर जो मैंने बोला था आपको दूसरी वीडियो में कि वो हावी हो जाते हैं और हम यहाँ पे सेल करते हैं। तो अगर इस तरह के अगर आपको रिस्क लगती है, ये ब्रेकआउट आपको अच्छा नहीं लगता, आप उस पर कन्फर्म नहीं हो पा रहे, तो थोड़ी थोड़ा वेट कीजिए और जब आपको पूरी तरह से कन्फर्मेशन मिलता है तभी एंट्री कीजिए। कुछ लोग रहते हैं वो जल्दी भी एंट्री कर लेते हैं और अर्ली एंट्री लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन आपको सेफ ट्रेड करना है तो आप जल्दी एंट्री लेने की मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि आपको करेक्शन मिल ही जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप ब्रेकआउट देख के इस कैंडल पे भी पोजिशन बनाते हैं तो आपकी पोजिशन अराउंड 105 के पास हो जाएगी। और आप जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं बोलूंगा बाइंग कब करनी है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल की जो नेक्स्ट वाली कैंडल है वो करेक्शन होने के बाद हम वहाँ पे बाय करेंगे। इसका जो लो था वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो है हमारा ये राउंडिंग बॉटम की जो हाइट है वो रहेगी, यानी यहाँ से अगर हम हाइट कंसिडर करेंगे तो इतनी हाइट, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं इतनी हाइट तक स्टॉक गया और यहाँ पे आने तक, यहाँ पे आने के बाद वो स्टॉक यहाँ पे रुक गया और उसने उसका रिटर्न दे दिया। अगर ये हाई हम देखेंगे तो 156 की लेवल यहाँ पे है, यानी 105 के आसपास हमने स्टॉक लिया था और 156 के आसपास ये स्टॉक गया, ऑलमोस्ट 50 रुपीज का रिटर्न स्टॉक ने एक, आप देखेंगे ये वीकली चार्ट है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 या 2 महीने में उस स्टॉक ने हमें 50 रुपए का रिटर्न दिया 100 रुपए के हिसाब से। तो अराउंड 45-50% रिटर्न दोस्तों इस स्टॉक ने 2 महीने में दे दिया। तो इतना अच्छी तरह से ये पैटर्न काम करता है। अगर आपको इतनी एक्यूरेसी से कभी भी इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा तो अच्छा कंफर्मेशन मिलने के बाद उसके नेक्स्ट कैंडल पे क्लोजिंग, अच्छा खासा कंफर्मेशन होने के बाद, यानी बड़ी कैंडल बनने के बाद और वो क्लोज होने के बाद, तो उसके बाद ही आप एंट्री ले लेंगे। और मैंने जैसे बोला कि कहाँ पे बाय और स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है, तो उस तरह से आप अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो इस पैटर्न को यूज करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा चैनल है लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद एक बेल आइकॉन आएगा उसको क्लिक कीजिए, तो जो भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू।